साथियों, बीते वर्षों में भारत ने जिस तेजी से काम किया है उसका एक उदाहरण हमारी डिजिटल क्रांति है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे, आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में 1 GB डेटा करीब करीब 200 रुपये का पड़ता था, आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है। 2014 में देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था, अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किलोमीटर के पार कर चुकी है। 2014 में देश में 100 से भी कम, यानी 100 भी नहीं, 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी 2.25 लाख को पार कर गई है। 2014 में देश में 90,000 के आसपास ही कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा हो गई है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब करीब 40% भारत में हो रहा है, दुनिया का 40%। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, जिस भारत को लोग अनपढ़ बताते हैं वो भारत ये कमाल कर रहा है। हमने बीते 8 वर्षों में डिजिटल क्रांति के लिए जिस फाउंडेशन को मजबूत किया उसी का नतीजा है कि आज अलग अलग सेक्टर्स के लिए इतनी संभावनाएं बन रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिला है। 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप ही थे, लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के आसपास पहुंच रही है। अभी हाल ही में भारत ने 100 यूनिकॉर्न का रिकॉर्ड भी बनाया है। हमारी नई इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती का बहुत लाभ आप लोगों को मिलने वाला है।